आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वीकेंड चर्चा देख रहे हैं आप। चुनाव नजदीक है, सरकार लगातार जनता को सौगातों पर सौगातें देती नजर आ रही है। वहीं आज योगी सरकार ने फ्री राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत की। सीएम बोले, शास्त्र कहते हैं कि भूखे को रोटी देना महापुण्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना से देश में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने आज क्या कुछ कहा। 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक, भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का एक कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं, डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे, इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक कार्ड धारक को जो अनमन्य खाद्यान्न है, उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है और जो एकदम पैक्ड है। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वह आपको एक संबल है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रहता था लेकिन उसको कभी खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। गढ़तोली अलग से थी। प्रदेश के अंदर 2005-06 में हुआ खाद्यान्न घोटाला रहा हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की भूख से हुई मौत, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015-16 में भी पिछली सरकार जब यहां पर थी उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। जब उनके पास सत्ता थी तब गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाते थे, तब गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, तब गरीब को मकान नहीं मिलता था, तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं होती थी, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के देखे वहां पर बदहाल स्थिति थी। विकास के कार्यों में पेशेवर माफिया और अपराधी डकैती डालते थे, एक सामान्य नागरिक परेशान रहता था। उन स्थितियों में वे लोग वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, चोरी छुपे घर के अंदर ले चुके होंगे वैक्सीन, लेकिन गरीबों को बताने के लिए कि कहीं ये गरीब भी अगर कहीं वैक्सीन ले लेगा तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में उन लोगों का वनवास हमेशा के लिए वनवास हो जाए, और इसलिए बहकाने के लिए लोग तमाम प्रकार का दुष्प्रचार भी किए हैं।
तो जहां सरकार जनता को सौगातें दे रही है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। मुफ्त डबल राशन वितरण को घोटाला बताया जा रहा है। अब सपा के प्रवक्ता समीर सिंह ने बीजेपी के घोटालों की पोल खोली है। क्या कुछ बोला है सपा प्रवक्ता समीर सिंह ने, आप भी सुनिए। भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांटने के नाम पर सिर्फ झूठ, उम्मीद और प्रोपेगेंडा परोस रही है। अपने पूरे कार्यकाल में प्रदेश भर में एक के बाद एक घोटाले हर क्षेत्र में सामने आए हैं, चाहे वो कोविड के टाइम पे दवाइयों में घोटाले हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले हों, चाहे वो भर्तियों में घोटाले हों, और अब राशन के नाम पर घोटाला होने की पूरी पूरी तैयारी है। नवंबर की डेडलाइन खत्म होने वाली थी मुफ्त राशन बांटने की स्कीम की, तो उसे चुनाव के मद्देनजर मार्च तक रख दिया गया है, जो कि साफ साफ भाजपा की पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा सामने लाता है, ना कि उनकी गरीबों और किसानों के प्रति हमदर्दी का। तो देखा आपने कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज एक तरफ सौगातें दी हैं, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी जमकर आरोप लगाए हैं। और आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ जनता को लाभ दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति चल रही है, तो क्या राजनीति की भेंट चढ़ेगी जनता या फिर उनको लाभ मिलेगा इस वितरण राशन का। तो जिस तरह से गरीब लोगों तक ऐसी योजना लाई जा रही है ताकि वो भूखे ना रहे, हर एक व्यक्ति को दो वक्त का खाना मिल सके, कोई भी भूखा पेट ना रहे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक राशन पहुंच सके, तो वहीं इस पे भी अब राजनीति शुरू हो गई है। और इसी राजनीति को देखते हुए ये मुद्दा अहम है जिसपे राजनीति चरम पर है। और अब चुनावी माहौल है तो अलग अलग तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं और इस पे पक्ष विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं, तो हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राम निवास यादव जी जुड़े हैं और दूसरे सपा प्रवक्ता जावेद अहमद खान जी जुड़े हैं। तो दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मुद्दा है वो राशन वितरण है या ये है राजनीति, क्या इस बार गरीबों तक पहुंचेगी सरकार की नीति। लाई जाती है कई योजनाएं, फिर गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती सरकारी योजनाएं, क्या लगेगी घटतौली पर लगाम, विपक्ष भी घोटालों पर उठा रहा तमाम सवाल। मुफ्त राशन वितरण है या ये है राजनीति, क्या इस बार गरीबों तक पहुंचेगी सरकार की नीति। लाई जाती है कई योजनाएं, फिर गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती सरकारी योजनाएं, क्या लगेगी घटतौली पर लगाम, विपक्ष भी घोटालों पर उठा रहा तमाम सवाल। तो जहां एक तरफ सीएम योगी ने कहा कि गरीबों को अन्न देना, खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे एक और मौका मिलेगा सरकार को घोटाला करने का। और इन्हीं तमाम सवाल के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से प्रवक्ता रामनिवास यादव जी, जावेद अहमद खान जी सपा से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रामनिवास यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो भाजपा द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं उसका जनता को, पूरे प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को सरकार का देने का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से जब 15 करोड़ लोगों को सरकार देगी तो निश्चित रूप से बड़ी योजना है और पूरे प्रदेश का इससे लाभ होगा। और क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के बाद जो तमाम समस्याएं आई हैं, आर्थिक समस्याएं आई हैं, उससे जनता को निजात मिलेगी। साथ में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने तेल 1 किलो, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और 1 किलो दाल अतिरिक्त देने की घोषणा की, बहुत ही स्वागत योग्य है। और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की भूर भूर प्रशंसा कर रही है। इस यही कारण है कि विपक्ष के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी दुकानें आगे भी बंद रहने वाली हैं। जी, तो हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जुड़े हैं जावेद अहमद जी। जावेद अहमद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से इतनी अच्छी योजना लाई जा रही है गरीबों को खाना पहुंचाने की, अन्न पहुंचाने की, इसमें घोटाले की बात कहां से सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, पीडीएफ सिस्टम की 23,000 बोरियों का खाद्यान्न, 23,000 से अधिक बोरियों का खाद्यान्न क्या गायब नहीं हो गया गोडाउन से? क्या जो बड़े पुण्य की पुण्यात्मा होने का दावा कर रहे हैं आज, जब आप अक्टूबर और नवंबर में कार्ड धारकों को दुकानों से राशन नहीं मिल रहा था कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उस समय तक आपको जो है राशन नहीं दिया जाएगा, क्या ये जो है भूखे लोगों को मारने का काम सरकार नहीं कर रही थी?
आप जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके का ढोंग करते हैं, अभी तो इस डबल इंजन सरकार का एक साधारण वस्त्रधारी ही झूठ बोलता था, अब तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है पिछले 6 महीने से कि एक भगवा वस्त्रधारी संत के वेश में किस तरीके से झूठ दर झूठ बोल रहा है जी। ऐसे झूठे लोगों के साथ फिर क्या व्यवहार जनता लोकतंत्र में करती है, ये सब लोग जानते हैं। सरकार हमारी हो या किसी राजनीतिक दल की हो जी। जो अभी बता रहे थे राम निवास जी, नहीं की तरफ से कहना है कि डबल इंजन की सरकार में दुकानों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जावेद जी विपक्ष में हैं, खासकर समाजवादी पार्टी को दुकान बता रहा है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वंशज क्या है, इनके नेता ही तो अपना बता दें कि इस देश को जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाकर इसका शोषण और उत्पीड़न किया, ये उन्हीं के तो वंशज है कि आज पूरे देश के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, इतना झूठ तो शायद अब इनकी परेशानी है, इनको जनता ने बेरोजगार कर दिया है जी। और हमको लगता है ऐसे ही करते रहेंगे, अभी लंबे समय तक बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इनके आचरण के कर्मों को, इनके जो पिछले घोटाले थे, अरे कर्म किसके खराब है, किसके आचरण जिस तरह से दुनिया देख रही है, मतलब आचरण कर्म की बात मत करिएगा, अगर आचरण कर्म अगर बताया जाएगा और जनता बताएगी तो दंगे हो जाएंगे। अभी भी नहीं दूर होने वाली है जी। तो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है जावेद जी कि जिस तरह से सपा परेशान है, उसको डर लग रहा है भाजपा से, क्या कहेंगे इस पे? भाजपा से कौन डरता है, भाजपा से कौन डरता है, भाजपा से तो भाजपा डरती है। इस देश के अंदर अब भाजपा से डरने वाला कोई नहीं है। अभी बड़ी सुशासन की बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, विवेक तिवारी से लेकर इंद्रकांत शुक्ला तक, कानपुर में संजीत यादव से लेके गोरखपुर में मनीष गुप्ता तक की किस तरीके से हत्या हुई, ये अपराध मुक्त होने का दावा करते हैं। बागपत की जेल से बांदा की जेल तक हत्याएं कौन कर रहा था, बहन बेटियों के साथ भाजपा का एक जो है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री किस तरीके से तेल मालिश करा रहा था, तो एक विधायक एक बेटी के साथ उन्नाव में बलात्कार करते हुए उसके पूरे परिवार का विनाश करने का झूठे लोग किस तरीके की बात करेंगे जी। तो जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, इतनी नीतियां लाई जा रही हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, उससे आम जनता को लाभ तो मिल रहा है ना, उसके बाद क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट, वैक्सीन नहीं लगाओगे तो भूखे मरोगे, गरीब को राशन नहीं दोगे, लूटपाट हत्या बलात्कार के अलावा इस सरकार ने क्या दिया है, रोजगार मांगोगे तो लखनऊ की सड़कों पर इनकी पुलिस पीटेगी, ये जनप्रतिनिधि है, ये तानाशाह है। जब मंत्री का काम क्या है, सरकार का काम क्या है, लोगों की पीड़ा को सुनना, उसके दर्द को सुनना और उसका समाधान करना, समाधान के बजाय आप रोजगार मांगते नौजवानों का उत्पीड़न करेंगे। आप किस तरीके से सहायक शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती में आपने घोटाला किया, पिछड़ों का अधिकार मार गए, ये जो तथाकथित पिछड़े चेहरे हैं, ये तथाकथित पिछड़े चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं, जो आज सरकार में रहकर अपने ही समाज के लोगों का उत्पीड़न और शोषण होते हुए देख रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री को जब गरीब कणों का लाभ लेना होता है तो वो अपने भाई को दे देता है, और जब पिछड़ों का हक देने की बात आती है तो उनकी हक तल्खी होती है, और अपने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को ये झूठा बताते हुए उसे खारिज कर देते हैं। क्या कहेंगे रामनिवास जी, इतने आरोप लग रहे हैं आप पे? जावेद जी इनकी बातों से लगता है कि बहुत परेशान है, इन्होंने जितना भी कुछ बताया ये अपनी सरकार का ही गुणगान कर रहे थे, जैसे इनकी सरकार पिछले 5 साल जो इनकी सरकार रही उसका गुणगान कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक भी घोटाला हमारी सरकार में हुआ, ये सारे घोटालों जो फिरिस्त बता रहे हैं ये अपनी सरकार का है, भ्रष्टाचार इनकी सरकार था, इन्होंने आरक्षण की बात की कि पिछड़ों के हक मानने की, इनकी सरकार में इनकी पार्टी में तो पूरे प्रदेश के पिछड़ों का हक मार के बोलिए। जावेद जी
बहुत चिल्लाइए मत, बहुत चिल्लाइए मत, क्योंकि चिल्ला के आप जनता को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछड़ों के जो आरक्षण के नाम पे आप लोग गड़बड़ करते थे, पिछड़ों के हक के नाम पे आप जो बात करते थे, एक ही परिवार को हक देते थे, आज सरकार में जवाब देने दीजिए बीजेपी को, सभी पिछड़े समाज को उनका समान हक मिल रहा है। ये तो आपकी सरकार में होता था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ों के नाम पे खाली 1.5 जिलों में सारी सुविधाएं जाती थी, लोगों को विवश किया, और कोरोना काल में मुख्यमंत्री सौ के ढेर पर खड़े होकर अपनी पीठ। जावेद जी अपने मुख्यमंत्री जी की बात करिए, जिनकी सरकार में आप लोगों ने करप्शन किया, गुंडा राज किया, आज अगर योगी जी ने ठीक किया है तो आपकी बौखलाहट निश्चित है। सरकार ने किया अयोध्या, जिस प्रकार से आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बस्ती मंडल में और माफिया राज था, उसको उत्तर प्रदेश के योगी जी ने खत्म किया है, इसलिए आप लोग परेशान हैं, चिंता मत करिए, जो बचे हैं आने वाले सरकार में उनका भी काम लगेगा। जावेद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? 23,000 बोरी खाद्यान्न, जावेद जी एक एक करके पक्ष रखिए, जैसे भी आपने चलाई, अब जवाब देने दीजिए बीजेपी को। जावेद जी जी, अरे कितना झूठ बोल रहे हो, कितना तेज बोल लो, कितना जल्दी जल्दी बोल लो, जनता सब जो है लपेट रही है, सुनाओ जी, जावेद जी बीजेपी को अब जवाब देने दीजिए, बताइए राम जी। अभी जावेद जी कह रहे जनता सब लपेट रही है, 2017 में आपको लपेटा, उसके पहले 2014 में लपेटा, और 2019 में लपेटा, अब 2000 फिर आपको लपेटेगी, ये योगी जी की सरकार है। आप जैसे किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश में पनपने हमारी सरकार नहीं देगी, जो भी माफिया सर उठाएगा उसका सर कुचला जाएगा, ये योगी जी की सरकार है। जावेद जी परेशान मत होइए, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा, जो थोड़े बहुत बच्चे होंगे आगे सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है जावेद जी, बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ हुआ, बहुत घोटाले हुए, सपा के कार्यकाल में क्या हुआ? सत्ता में आप जवाबदेही आपकी है, हम हमसे जो पूछना चाहते हो, जनता ने हमको पदमुक्त सत्ता से मुक्त कर दिया था, क्यों पदमुक्त कर दिया गया सपा को? सपा को क्यों पदमुक्त कर दिया गया? अगर इतिहास को पलटेंगे तो फिर सब नंगे हो जाएंगे, फिर आपके पास सवाल भी पूछने के लिए नहीं रहेगा। आप ये लोकतंत्र इस तरीके से चलेगा कि आप विपक्ष से सवाल पूछेंगे? क्यों जावेद जी, दोनों से सवाल पूछेंगे, दोनों से सवाल पूछा जाएगा, क्या कल आप सत्ता में नहीं आएंगे? आप सत्ता में नहीं आएंगे क्या? बताइए कि 2017 में सरकार के खिलाफ जो लोक कल्याण पत्र लाई थी भाजपा, उसमें कितने वादे पूरे हुए? 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का दावा कर रहा है, 4.5 साल में कितनी गरीबी की आपने कम की है, आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोग डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, डिबेट को आप जो है ध्रुवीकृत करना चाहते हैं, और डिबेट में आप विपक्ष को घेर कर पूरी डिबेट को। जावेद जी हम बीजेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं और सपा से भी सवाल पूछ रहे हैं, सपा सवाल सपा जवाब देने में क्यों पीछे हट रही है, मुझे ये बताइए, सपा जवाब देने में पीछे क्यों हटती है? हम बीजेपी से भी सवाल पूछते हैं, सपा से भी सवाल पूछते हैं, सभी विपक्षी दलों से सवाल पूछते हैं। खाद देने देने के लिए किस तरीके से लंबी लाइन है, और खाद केंद्रों पर किस तरीके से किसान को विवश किया जा रहा है कि वो सरकार की चहेती कंपनियों का बेकार बीज खरीद ले, बिना बीज दिए खाद नहीं दी जा रही है, ये सवाल होने चाहिए सत्ता से, सत्ता से सवाल चुनाव की बेला पर खड़े ये होना चाहिए कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में आपने किए वादे कितने पूरे किए, ये सवाल ही नहीं होंगे, सवाल होंगे दूसरे, जिन सवालों का कोई लेना देना नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के महापर्व के मुहाने पर हम खड़े हैं, और वहां पर सत्ता से सवाल होंगे। तो बिल्कुल सत्ता से सवाल किए जा रहे हैं, सत्ता को जवाब देने के लिए बैठाया भी गया है, और आपके सारे सवालों के जवाब अभी देंगे राम जी। राम जी जवाब दीजिए। नहीं, जिस तरह से जावेद जी बौखलाए हुए हैं, इससे लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन, जवाब दीजिए, जिस प्रकार से इनके नेता फ्रस्ट्रेट हैं, जवाब बोलते रहते हैं, वैसे ये भी बोल रहे हैं जैसे इनके नेता करे कि हमारी सरकार आएगी, मुख्तार अंसारी का घर हम बनवाएंगे, जितने भी माफियाओं गिराया गया उनका मकान बनवाएंगे। इनसे पूछिए कि मुख्तार अंसारी अब न बाहर आएंगे, न आपके मंसूबे कभी सफल होंगे, जो उन्होंने अपराध किया है उसको हमारी सरकार उनको सजा दे के रहेगी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। अब कहते हैं कि हम उनके मकान बनाएंगे, अरे कैसे बनाएंगे? माफियाओं को छुट्टा छोड़ेंगे, आप बताओ कहाँ है पार्टी? अब
बताइए मुख्तार अंसारी समाज सेवक हैं, आपकी पार्टी में समाज सेवक होंगे लेकिन अपराधी हैं, हत्यारे हैं, हमारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की है। अतीक अहमद अपराधी हैं, हत्यारे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। आपके आजम खां भूमाफिया है, उन्होंने सैकड़ों गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, आज हमारी सरकार के खिलाफ की कार्रवाई की है तो जेल में है। चिंता मत करिए, अगर और भी कोई बच्चे होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। राम निवास जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से ये योजना लाई जा रही है, जावेद जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा जी, अपहरणकर्ता कहाँ है और अपहरणकर्ताओं की मदद करने वाली आपकी पुलिस के कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोग जेल गए जिसमें संजीत यादव की पूरी संपत्ति बिकवा दी, ये अपहरणकर्ताओं को रंगदारी दे दे, फिरौती दे दे, आपका भाई छूट जाएगा, संपत्ति भी बिकवाई, पैसा भी आपकी पुलिस ने होता और उस बेचारे का सौ आया हो सामने, जवाब दीजिए। अगर हमारी सरकार में पैसा लेकर अपराधी छोड़े गए होते ना तो मुख्तार अंसारी कब का छूट गए होते, आजम खान जी कब का छूट गए होते, अतीक अहमद जी कब का छूट गए होते, और भी तमाम अपराधी हैं। जावेद जी चिंता मत करिए, अगर कोई अपराधी गलती से बच गया होगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन मजबूरी है कि आपकी परेशानी है, आपके समर्थक हैं, क्योंकि आप बल पे सरकार चलाते थे, आज आपको सरकार ने, जनता ने आपको सरकार से बाहर कर दिया है, इसलिए आप पगलाए हुए हैं और आपके नेता पगलाए हुए हैं, जब अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है। खाली एक सवाल का जवाब दो, आप बताओ 23,000 से अधिक अनाज हमको बताइए, मुख्तार अंसारी अपराधी है कि आपका नेता है, अंसारी होंगे आपके रिश्तेदार, अहमद अपराधी है कि आपकी पार्टी का नेता है, आजम खान अपराधी है कि नहीं बताइए, हाँ हिम्मत बताने की आप बताइए, आपके नेता बताइए किसी की हैसियत है बताने की, क्योंकि उनके संरक्षण में आपने सरकार बनाई थी, सरकार चाहते थे उनको गोली छोड़ दे रखे थे, हमारी सरकार ने कार्रवाई की है तो आपके नेता और आपको तकलीफ होने लगी है। आपकी सरकार में इंद्रकांत शुक्ला की हत्या कैसे की पुलिस ने, आपके आईपीएस ने की, मनीष गुप्ता की हत्या आपकी पुलिस ने की, विवेक तिवारी की हत्या आपकी पुलिस ने की, संजीत यादव के अपहरण में और उसकी हत्या कराने में आपकी पुलिस शामिल थी, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है, दलित हाथरस की दलित बेटी के दोषियों को बचा आपकी सरकार रही थी, मुख्यमंत्री बचा रहे थे और उस दलित बेटी को कलंकित करने का काम कर रहे थे। जी जितने भी आप केस बताए हैं बताइए, एक भी अपराधी अगर बाहर हो सब कानून के तहत जेल में है, उनको सजाएं मिलेगी, और आपकी सरकार में अपराधी अपराध करने के बाद बोले आम सेना खोल के सड़कों पर घूमता था, अगर हमारी सरकार में घूम जाएगा तो उसके सीने पर गोली चलेगी, ये फर्क है हमारी सरकार और आपकी सरकार में। जावेद जी परेशान मत होइए, 2022 में फिर आप बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने नेता को स्वीकार नहीं करने देंगे, इन्हीं अपराधियों का सहारा लेंगे, 2022 में आप फिर बेरोजगार होंगे। राम निवास जी आपने एक बात बोली बेरोजगार रहने की, क्या आपकी सरकार में लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है? नहीं, इनको तो जनता ने बेरोजगार कर दिया है, उनको जनता ने बेरोजगार कर दिया, लेकिन आपने बेरोजगार किया, 2022 में बेरोजगार रहेंगे, उत्तर प्रदेश जनता आपके खिलाफ है, आपके कर्मों से आपके खिलाफ है, इसलिए आप करके आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जनता के हितों में काम कर रहे हैं और योगी जी जन सेवक है, आपके नेता की तरह नहीं जो भ्रष्टाचार करते थे, नौकरियों जावेद जी एक एक करके बोलिए आपकी आवाज भी ताकि समझ में आए, न अपराधी बचेगा न भ्रष्टाचारी बचेगा, जो भी करेगा या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। पिछले वर्ग की नियुक्ति की जावेद जी एक एक करके बोलिए ताकि आपके सवाल भी सुनाई दे, ताकि हम सत्ता पक्ष से जवाब ले सके, आप एक साथ बोलते रहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और समय व्यर्थ होगा, मौका दीजिए जवाब, जवाब आपको चाहिए तो मौका भी दीजिए, जवाब सुनिए। सवाल का उसके पास जवाब नहीं है शिखा जी, वो अपनी खाली एडवाइजरी लेकर बैठते हैं और विपक्ष से कहा जाता है कि वो आपके सवालों का जवाब दे। विपक्ष से क्या सवाल नहीं करने चाहिए? क्या कहीं पे ऐसा लिखा है कि सिर्फ सत्ता से सवाल होना चाहिए? क्या आपकी सरकार कभी लौट के नहीं आएगी? जावेद जी मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सत्ता से हम सवाल करते हैं लेकिन मुझे आप बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपकी सरकार कभी लौट के नहीं आएगी? बता दीजिए बस मुझे इतना। सरकार
हमारी सरकार 22 में आ रही है जनता के आशीर्वाद। अच्छा, तो आप फिर जवाब देने से क्यों डरते हैं? सपा जवाब देने से क्यों डरती है? अपने पुराने इतिहास पे, पुराने कार्यकाल पे जब आपसे सवाल किया जाता है, अगर आपकी गलती थी तो उसे मानिए, उसका जवाब दीजिए। जवाब देने से क्यों डरते हैं? आपकी प्रवक्ता बीच डिबेट से उठ जाती है, जवाब नहीं देना चाहती है। आप भी यही कहते हैं कि आपको जी यह हुआ है, हुआ है। उसके बाद कहा जाता है कि मीडिया सवाल नहीं उठाती है, सवाल नहीं करती सत्ता पक्ष से। ठीक, जवाब नहीं देना चाहते, पक्ष विपक्ष जवाब नहीं देना चाहता, सत्ता में दोनों आना चाहते हैं। नहीं हो पाई तो ये सवाल, ये भी तो सवाल है। तो हम तो दोनों से सवाल कर रहे हैं, आप अपना अपना जवाब दीजिए। अगर आप सवाल करना चाहते हैं बेशक करिए, जवाब देने के लिए ही हमने बीजेपी को बुलाया है। लेकिन एक एक करके रामनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से योजनाएं लाई जाती है लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है, लॉकडाउन में भी देखा गया था, सारा अनाज बच्चा कुचा पड़ा हुआ था लेकिन जनता भूखी बैठी हुई थी, क्या कहेंगे इस पे? शिखा जी, आपकी जानकारी सही नहीं है। अच्छा, उत्तर तो प्रदेश में नहीं, नहीं शिखा जी सुनिए, आज 15 करोड़ लोगों को उनका अंगूठा लग रहा है मौके पे। आज जिस तरह से लाइन लग के राशन बट रहा था, तो अगर लोग ले नहीं रहे तो लाइन कैसे लगी थी? इसलिए लाइन लग के राशन बट रहा था और आगे भी बटेगा, क्योंकि हमारी सरकार में करप्शन नहीं, करप्शन नहीं, सीधे घोटाली हो रही थी, घोटाला हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसको खुद सीएम योगी ने बोला है। सरकार है, जनता के हितों में जितना भी काम है हम करेंगे, बिचौलियों को दूर रखेंगे। इसलिए परेशान है जावेद जी, क्योंकि जो जगह जगह इनकी बिचौलिए थे, आज हमारी सरकार ने उनको बाहर कर दिया, इनको तकलीफ हो रही। हम सीधे जनता की सरकार है, जनता को सीधे फायदा दे रहे हैं, वही हमारी सरकार काम कर रही है। बोलिए जावेद जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बिल्कुल रामनिवास जी कह रहे हैं जी, जनता लेने नहीं जा रही। अरे जनता को जनता की दुकानों से जनता की लाइन लगी है, आज वितरण हुआ है, केंद्रों पर राशन केंद्रों पर लाइन लगी हुई है। रामनिवास जी एक करके बोलिए, सबको मौका दिया जा रहा है। भूखे को भोजन खिलाना पुण्य का काम है, ये दुनिया जानती, हर मानव जानता है। मानव अपने दरवाजे पर बैठे जानवरों को भी भोजन देने का काम करता है, लेकिन जो सरकार पूरी तरीके से नकारा हो गई हो, जिसने ये कह दिया हो, मौखिक आदेश कर दिया, मैं चाहिए तो अभी 4 महिलाओं को खड़ा कर दूं, आप इजाजत दे मैं स्क्रीन पे खड़ा कर दूं, कि जिनको पिछले महीने का राशन नहीं मिला, इस बात पर कि आप वैक्सीन लगवाइए और उसके बाद आपको राशन मिलेगा पीडीएस का। तो ये जो व्यवस्था है, और 15 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? राशन कार्ड नए आपने बनाए नहीं, पुराने कितनी बड़ी संख्या में निरस्त किए, और गोडाउन से गरीबों का अनाज जो है गायब हो गया, उस पर कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अगर आप पारदर्शी काम कर रहे हैं तो स्वागत होगा रामनिवास जी, लेकिन जहां पर सिस्टम का फेलोवर हुआ है और हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा, उस पर तो जावेद और समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी सवाल करेंगे करेंगे, आप कितना भी सवाल को बच्चे। रामनिवास जी, ये हमेशा सवाल यही उठता है कि सही से काम नहीं हो रहा, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार योजनाएं लाती है लेकिन वो नहीं पहुंचती जनता तक, तो क्या करेंगे? सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष के हमारे मित्र उठा रहे हैं, ये खबरें हमने भी अपने चैनल पे चलाई है। जनता लाइन में खड़ी रहती है, उनको भगा दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना बता के। आज प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया योजना का, मुफ्त अन्न देने का, एक कहीं केंद्र का हमको दिखाइए अपने टीवी पे। हाँ, आज ले रहे हो, यही पूरे दिन खबरें चली आ रही है, वही सकता है, लेकिन लॉकडाउन के समय ये तस्वीर सामने आई है। ये लोग किसी की बात नहीं कर रहे, हमने जो झूठी खबर बताते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ने खबर दी है, हम उसके आधार पर बता रहे हैं। वहाँ लाइन लग के लोग राशन ले रहे हैं, अगर राशन नहीं दे रहे हम तो लोग लाइन क्यों लगाए हुए हैं? और जावेद जी, क्योंकि विपक्ष में है, विपक्ष में बोलना इनका काम है, इनका धर्म है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जावेद जी, आप अच्छे व्यक्ति, आपसे मेरा आग्रह है कि जनता भटकने वाली नहीं है, बरगलाइए मत, सही विषय रखिए, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। अगर तस्वीरें सामने आई है जहाँ जनता ने ये बयान दिया है कि जो ठेकेदार है, आरोप लगाने का मत करिए। उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता 2 से 3 दिन के अंदर सारा राशन ले लेगी, और हमारी सरकार उनको लगातार मुफ्त राशन देने का काम कर रही है, आगे भी करेगी। रामनिवास जी, अगर मुफ्त राशन देने का ये पुण्य काम किया जा रहा है, जावेद जी मीडिया पर बैठकर झुटला रहे,
जी जावेद जी मुझे कुछ समय दीजिए। रामनिवास जी, अगर पुण्य काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो सिर्फ मार्च तक क्यों, सिर्फ चुनाव के वक्त तक ही क्यों सीमित रखा इसे? नहीं, मार्च तक नहीं है जी, अब वो तो अभी क्योंकि 10 किलो दूना हमने किया है जी, तो हमारी सरकार तो लगातार पिछले कई सालों से दे रही है। कोरोना पीरियड में जिस तरह से इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया परेशान हुई, उस परेशानी को देखते हुए हमारी सरकार ने दूना राशन देने का काम किया। क्या जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभी तक चलती आ रही है बात बिना रुके? भाई हमारी सरकार दूना राशन दे रही, साथ में 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल और जो है दाल 1 किलो इसीलिए दे रही है। कम से कम अभी 2-3 महीने फसल नहीं आने में समय लगेगा, तब तक जनता कहीं भूखी न रहे, उसको कोई परेशानी न हो, इसलिए हमारी सरकार देने का काम करे। राशन हम दूना दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसपे क्या कहेंगे? शिखा जी, राशन दूना दे रहे हैं, तेल फ्री दे रहे हैं, चीनी फ्री दे रहे हैं, नमक फ्री दे रहे हैं, सब खाने की चीजें हैं। अगर हम फ्री दे रहे हैं, किसान भाइयों के खाते में 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस महामारी में इतना हम कर रहे हैं कि जनता का भला है, जनता हमारे साथ है। 2017 में साथ थी, 2019 साथ थी, 2022 में फिर साथ होगी। और जावेद जी, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो 2022 में इससे खराब पोजीशन आपकी होगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर जनता ने शराब दे दिया तो आपकी सत्ता जो अभी थोड़ी बहुत बची है और बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जनता अगर सही काम जनता के हाथ में हो रहा है उसकी सराहना कीजिए, और आप दिल खोल के मुख्यमंत्री जी की सराहना कीजिए। एक संत हैं जिन्होंने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। ये आपकी सरकार में नहीं संभव था। आपकी सरकार होती तो खाली बिचौलिए खाते, आपके मुख्यमंत्री घोफड़ा करते और सारा राशन बिचौलियों को चला जाता। जावेद जी, आपके समाज के बहुत सारे लोग हैं इस 15 करोड़ में जिनको हमारी सरकार राशन फ्री दे रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि उनके हित में इस सरकार की तारीफ कीजिए। शुरुआत होने जा रही है इतिहास का विषय बनने की। कुछ दिन बाद लोग जैसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी था क्या, ये किस प्रकार का मानव था कि पशु था, ये जनता इस तरीके का श्राप दे चुकी है। जावेद जी, जो महंगाई बढ़ रही है, अब राशन तो दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या सपा आके सिलेंडर देगी, सस्ता करेगी, क्या कहेंगे? नहीं, सिलेंडर किसके हाथ में है शिखा जी? जी, राज्य सरकार के पास जितने भी जन कल्याण के काम है वो समाजवादी पार्टी करेगी। आज एक चीज और बता दें जी, तो राज्य की तरफ से महंगाई जो बढ़ रही है उस पे क्या कुछ काम किया जाएगा? देखिए, जो भी कुछ संभव हो सकता है जो राज्य सरकार के पास में, देखिए किया क्या है केंद्र सरकार ने, इन चीजों पर कोई बहस भी नहीं करना चाहता और कोई इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। जीएसटी आने के बाद राज्य सरकारें पंगू होती जा रही है। आपको मैं बताऊं, ये कोई खाली नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, किसी भी दल की किसी राज्य में सरकार हो, जीएसटी का राज्यों का हिस्सा केंद्र सरकार नहीं दे रहा है जी। केंद्र से जब राज्य वहां की अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पैसा मांगते हैं तो केंद्र सरकार कहता है कि रिजर्व बैंक से लोन ले लो, लोन क्या बिना ब्याज के मिलता है। राज्य के संसाधन पर डाका केंद्र ने डाल रखा है, राज्यों के आर्थिक जो आधार पर जो चीजें हैं वो बहुत सीमित हो गई हैं। अब राज्यों के बजट का भी कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं रहा है। जिस तरीके के केंद्र ने अपना हस्तक्षेप किया है इस संघीय ढांचे में, जिस तरीके से इस सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एकाधिकार स्थापित किया है, इसमें अब कुछ बहुत नहीं होने जा रहा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि राज्य सरकार के अधीन जितनी योजनाएं, राज्य सरकार जन कल्याण के लिए जनता के साथ, नौजवानों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जितना कल्याण का काम कर सकती है वो इतिहास बनेगा 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कि जन कल्याण का काम कैसे होता है। अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 की सरकार ने भी काम करके दिखाया। जिस शौचालय का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इस शौचालय की ग्रामीण क्षेत्रों में कल्पना आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 89 से, जब 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय शुरुआत हुई थी। जिन चीजों को बहुत आप बता रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, आपकी सरकार के कार्यकाल में विकास हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। झूठ का विकास हुआ है, सत्ता जनित अपराध का विकास हुआ है, सत्ता के संरक्षण में
व्यापारियों की भाग उत्तर प्रदेश के नागरिकों की हत्याओं का इतिहास बना है, बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार दुष्कर्म का विकास जी। जावेद जी हमारे पास वक्त की कमी है, तो जो ये राशन वितरण चल रहा है और आपके प्रवक्ता ने कहा कि इसमें से घोटाला होगा, इसकी वजह से जो ये नई योजना लाई जा रही है इससे भाजपा को घोटाला करने का मौका मिलेगा, तो इसमें हम आपका फाइनल आंसर चाहेंगे। देखिए वितरण आज से शुरू हुआ, घोटाला तो पहले ही हो गया, 23,000 से अधिक अनाज की बोरियों का पहले से गायब हो जाना और तो किसकी जेब में जाता है मिलना, ये तो अपने आप घोटाले की शुरुआत हो गई। सरकार तो योजना ला रही है, क्या ये सरकार की जेब में वापस जा रहा है, घोटाला कौन कर रहा है? ये घोटाला सत्ता में बैठे लोग करेंगे ना, उनके लोग करेंगे। अब ये जो अनाज माफिया है इनके घर योगी जी की जेसीबी कब जाएगी, बुलडोजर कब जाएगा, इनके जो अधिकारी हैं वो जेल कब जाएंगे, अबे तो योगी जी ही बताएंगे। और योगी जी को इस समय असत्य बोलने से, वो असत्य के आग्रह पर है, वो असत्याग्रही हो चुके हैं जी। बिल्कुल राम निवास जी, जिस तरह से आरोप लग रहे घोटाले की, सरकार योजना ही ला रही है, क्या उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं? क्या आपके नेता ये घोटाले करते हैं या फिर उनके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं वो घोटाले कर रहे हैं? आखिर कर कौन रहा है घोटाले, क्योंकि घोटाले हो रहे हैं। नहीं सिका जी, बिल्कुल बात गलत है, जिस तरह से जावेद जी आरोप लगा रहे हैं, मेरा जावेद जी को चैलेंज है कि एक अपराध करके दिखाएं, अगर 5 बोरी अगर चुरा के दिखा दें तो 100 बुलडोजर पहुंचेगा इनके यहाँ। अरे मैं कहता हूँ कि 23,000 बोरियां छोड़ दीजिए, 5 बोरी अगर कोई गायब कर देगा तो सुबह उसका बुलडोजर पहुंचेगा। ये योगी जी की सरकार है, अगर दम है तो चुरा के दिखाइए भाई, देख लीजिए ना कि भाई सरकार क्या कर रही है। कोई भी अपराधी जो भी अपराध करेगा उसको सही तरीके से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हमारी सरकार कर रही है। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक अपराध करके दिखाइए कि हमारी सरकार क्या है, हमारा प्रशासन क्या है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि योगी जी की सरकार है, ये अखिलेश भैया की सरकार नहीं है कि अपराध करिए कार्यालय में चले जाइए सारे अपराध माफ है, यहाँ अगर वहाँ चले गए तो वहाँ भी जेल जाएंगे, अगर अपराध करेंगे तो आप जेल ही जाएंगे। मैंने आपसे फाइनल आंसर मांगा था, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं बस वक्त की कमी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ। 15 करोड़ जनता के हित में जावेद जी, ये मुफ्त अनाज का जो वितरण हो रहा है जनता इससे खुश है और ये ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश इकलौता प्रदेश है जहाँ एक साथ 15 करोड़ जनता को राशन देने का काम मुफ्त सरकार कर रही है, वो भी दूना राशन देने काम कर रही है, इसलिए प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, योगी जी के निर्णयों के साथ है। ये विपक्ष के हैं, 2019 देखा है इन्होंने, 17 देखा, 2022 देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, जी जावेद जी आपका फाइनल आंसर मैं चाहूंगी, 30 सेकंड का वक्त है। देखिए सिखा जी, पूरी तरीके से फेल सरकार है, विफल सरकार है, असफल सरकार है, जन विरोधी सरकार है, क्रूर और निर्कुल सरकार है, और इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार तो अच्छा लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी और भाजपा के सारे घोटाले बाहर आएंगे जी। तो ये तो होता ही है, जब सत्ता जाती है तो एक दूसरी सरकार के घोटाले सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों मेहमानों का, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से राम निवास यादव जी जुड़े थे और सपा से प्रवक्ता जावेद अहमद जी जुड़े थे। तो ये तो होता ही है कि जब भी सरकार बदलती है तो पिछली सरकार के घोटाले निकलकर सामने आते हैं। अब सपा बीजेपी पर और बीजेपी सपा पर निशाना साध रही है, और ये भी देखने को मिलता है कि जब पिछली सरकार से सवाल किए जाते हैं तो सवाल का जवाब देने से बचते हैं, और साथ ही वो सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहते हैं, और जब सत्ता पक्ष से सवाल करो तो कहीं ना कहीं वो भी बचते हुए या कुछ ना कुछ बहाने देते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों से ही, वो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों से ही जवाब ले और जनता के बीच पहुंचाए कि उनकी क्या विचारधारा है, आखिर अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगी, जो पिछले कार्यकाल में या इस कार्यकाल में घोटाले हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनको कैसे सुधारा जाएगा और चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो योजनाएं लाई जा रही है और ये कोशिश कर रहे हैं हम, ये सब दिखा के चर्चा करके, कि वो जनता तक, निचले हिस्से तक पहुंचे, जनता का उससे लाभ हो, ना कि जो बिचौलिए हैं वो इससे फायदा उठाएं। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।